हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी लोगों का जो लगातार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हैं और वो मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए थोड़ी सी सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटीज़ की ज़रूरत है और कुछ सेंसिटिव मुद्दे हैं, कुछ सेंसिबिलिटीज़ से भरे हुए हैं, थोड़े से आपके दिमाग को झकझोर देने वाले मुद्दे हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह के मुद्दों पे बात करना शायद मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा काम कर रही हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल चीज़ें और नॉर्मल बात तो आप सब जगह सुनते हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक विश्लेषण पूर्ण जानकारी दूँ तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी बेहतर होगा, आपके भी ज्ञान चक्षु खुलेंगे और मुझे भी बताने में अच्छा लगेगा कि मैंने आपको कुछ अलग से हटके मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई तो मुझे उसमें बहुत खुशी होगी, ऐसा मैं मानती हूँ। कुछ लोगों को नेगेटिविटी लगती है लेकिन शायद उनके अंदर सेंसिबिलिटीज़ नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है तो उनको नेगेटिविटी लगेगी। हालांकि शुरू करते हैं, आज के मुद्दे बहुत 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 नेगेटिव है। तो पहला मुद्दा तो ये है कि सबसे पहले मैं आपको कोरोना के आंकड़े बता दूं कि हमारे यहाँ पे कोरोना के आंकड़े जो है 34 लाख के पार जाने को तैयार है, 34 लाख को टच कर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में जो है हमारे यहाँ पे 8 लाख के करीब ही टेस्टिंग हो पाई है, मतलब यही हम मैक्सिमम टेस्टिंग कर पाए हैं, क्या 8,24,000 लोगों की हम टेस्टिंग कर पाए हैं और अभी हमारी टोटल टेस्टिंग जो है मिला के 3,70,000 हमारी जो टोटल टेस्टिंग है 3,70,00,000 हो गई है। तो इतनी हम लोग टेस्टिंग कर पाए, सोचिए 120 करोड़ की आबादी में, 125 करोड़ की आबादी में हम लोग सिर्फ 3,70,00,000 की टेस्टिंग अभी तक कर पाए हैं। अब मृतकों की संख्या मैं आपको बता दूं कि 62,000 जो है मृतकों की संख्या हमारे देश में कोविड की वजह से हो गई है और बाकी के जितने लोग बचे आप कैलकुलेट लगा लीजिए, माइनस कर लीजिए 62,000 को 34 लाख से, और इतने लोग जो है रिकवरी के अंदेशा है, कुछ लोग जो है 7.5 लाख मामले जो अभी भी एक्टिव केसेस के हैं, उसके बाद भी हमारे यहाँ पे लॉकडाउन जो खुल चुके हैं और आप समझ सकते हैं कि अब ऐसे में बीमारी के फैलने के क्या सारे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो है स्पुतनिक 2 वैक्सीन का जो है फिर से अनाउंसमेंट कर दिया है, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, लगातार वैक्सीन पे वैक्सीन शायद पीछे हटने वाले नहीं है। स्पुतनिक 2 वैक्सीन के जो है परीक्षण अब रूस में दोबारा से किए जाएंगे, हमारे यहाँ पर भी लगातार परीक्षण हो रहे हैं लेकिन कुछ पॉजिटिव मामले वैक्सीन को लेकर सामने नहीं आ रहे, उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगी। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि कोरोना के जो कहर के चलते हमारे यहाँ पे इतनी बुरी हालत है कि मैं कुछ लोगों को देख रही थी, सुन रही थी, और कुछ लोग तो अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेच के अपना खर्चा चला रहे हैं, कुछ लोगों ने जो है कंटीजेंसी फंड निकाल दिए, पीएफ फंड्स निकाल दिए हैं और रोज़गार जो है 20 करोड़ से ज़्यादा जो है रोज़गार बेरोजगार लोग अभी भारत में है फिलहाल, विश्वसनीय सूत्रों की अगर मानी जाए तो। सरकार ये आंकड़े रिवील करने को तैयार नहीं है, मोदी सरकार जब आई थी तो मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे जिसमें से एक दावा ये भी था कि 2 करोड़ लोगों को जो है रोजगार जो है सृजित किए जाएंगे और एक्स्ट्रा बढ़ चढ़ के 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे, लेकिन 6 साल में 12 करोड़ के रोजगार तो सृजित नहीं हुए, लेकिन हाँ 20 करोड़ लोग एक्स्ट्रा जो है बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और हमारे देश में जो है ये कहीं ना कहीं पे जो है क्राइम को बढ़ावा देने की बात सामने आ रही है, आप लोगों को बहुत अवेयर रहना होगा, बस सजग रहना होगा, बहुत आप अपने आप को बचा के चलना होगा। और आप देख रहे हैं कि चीन किस तरह से हमारे देश के पीछे पड़ा हुआ है, जिसके बारे में कोई खबरें नहीं दे रहे, सारा मीडिया जो है वो सुशांत सिंह के चक्कर में पड़ा हुआ है, सुशांत सिंह के न्यूज़ के चलते मीडिया ने अपनी सारी बेशर्मी और हदें जो है लांग दी है और मीडिया को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मीडिया वहाँ पे किस लिए है, किस चक्कर में बैठा हुआ है, सिर्फ आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए या ब्रेन वॉश करने के लिए या मोदी सरकार की वाहवाही करने के लिए, इसमें शायद मीडिया खुद ही उलझा हुआ है। और एस जे शंकर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और हमारे जो बिपिन रावत जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बताया है कि चीन से हमारा किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है, सबने इंडिया ने भी अपने राइफल जेट जो है तैयार कर दिए हैं और चाइना ने भी अपने बॉम्बर्स J-20 और B-12 जितने भी विमान हैं सारे उन्होंने भी बिल्कुल तैनात कर दिए, किसी भी समय झड़प हो सकती है। लेकिन कुछ सैनिक जो है हमारे देश के वो बहुत खफा है, उनका कहने का मतलब है कि जब सारा ये जो घटनाक्रम हुआ 15 जून 20 जून में सारा घटनाक्रम हुआ और हमारे जो 20 सैनिक मारे गए इस दौरान,
सैनिकों को उनका ड्यूज नहीं मिल रहा है। सो एक सैनिक तो इतना परेशान हो गए हैं, मेंटली इतना टॉर्चर हो गए हैं कि पूरा टाइम वो एक दहशत और भय के माहौल में रह रहे हैं। उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है, मतलब उनको उतना न्यूट्रिशियस फूड भी नहीं मिल रहा है। उनको लगातार जो है ट्रेनिंग की जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है। वो कह रहे हैं, उनका ये कहना है, एक सैनिक का तो कहना है कि अंग्रेजों से भी ज़्यादा जो है टॉर्चर जो है भारत सरकार जो है हम लोगों को दे रही है। अंग्रेज होते तो शायद इतना टॉर्चर अंग्रेज नहीं करते, लेकिन भारत सरकार ने जो है अंग्रेजों से ज़्यादा टॉर्चर करने के, भारत के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी आर्मी चीफ्स हैं, उन लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा सैनिकों पर अत्याचार किए। एक सैनिक ने तो अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की, और एक सैनिक ने सुसाइड कर लिया है। और उसके बच्चों का ये मानना है, उसके बेटे का ये मानना है कि उसके फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है हेरोइक थे और बहुत ज़्यादा सॉलिड थे, वो अपने आप को कभी गोली नहीं मार सकते। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ज्यादतियाँ हुई होगी, कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस तरह से यातनाएं हुई होगी कि कमज़ोर होकर सैनिक ने अपने आप को गोली मार ली। तो इस तरह की जो चीज़ें हमारे देश में चल रही है कि जनता को एकदम इनोसेंट मान लिया गया है, एकदम इनोसेंट, ये कोई किस गहने गिरवी रख के काम चला रहा है, बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सारी कंपनियों में लगभग ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों ही सेक्टर मिला के छटनियाँ चल रही है, और छटनियाँ बहुत ज़्यादा चल रही है अब की बार। ऐसा मोदी सरकार के आने के बाद, नोटबंदी के बाद में जो 8 नवंबर और 2016 को नोटबंदी हुई थी, उसके बाद में फटाक से GST आ गया 2017 में, तो इसके चलते तो छटनियाँ हो ही रही थी क्योंकि मुनाफे कम हो गए, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टैक्सेस जाने लगे, तो छटनियाँ तो वैसे भी हो रही थी मोदी सरकार के काल में 6 सालों में। लेकिन अब कोरोना की वजह से छटनियाँ इतनी ज़्यादा छटनियाँ हो गई है कि मतलब देखते ही बनता है। और यंगस्टर्स, ग्रेजुएट्स, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो एक प्यून की मालिकी या एक बहुत ही मतलब निम्न सैलरी पे काम करने के लिए अपने आवेदन दे रहे हैं, और जो आंकड़े बता रहे हैं सरकारी और कुछ संस्थाओं के आंकड़े बता रहे हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंटल संस्थाओं के भी आंकड़े हैं कि जिस तरह से लोग किसी भी तरह की नौकरी करने को तैयार है, तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक भयावह माहौल है। क्योंकि अगर वो लोग नौकरी करने लगेंगे एक निम्न तबके की, तो निम्न तबका कहाँ जाएगा? जो एक अशिक्षित तबका है, जो शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं पढ़े हैं, जो लोग बचपन से जो है बाल मजदूरी से चल के बड़े हुए हैं, और जिनके मदर और फादर का भी, जिनके फैमिली का भी बैकग्राउंड जो है वो मजदूरी का ही रहा है, दिहाड़ी का रहा है, तो मनरेगा में भी उतनी खपत नहीं मिल पा रही है मजदूरों को, इतना एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं मजदूर, तो आखिर में हम लोग इन सारी परेशानियों को कैसे दूर करेंगे? और हम देख रहे हैं कि इतना इनोसेंट हमारे देश का माहौल है, हमारी देश की जनता इतनी ज़्यादा इनोसेंट है कि कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। कुछ अंधभक्त तो बोलेंगे नहीं नहीं मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। क्या मुमकिन हो रहा है? आपने कोरोना के पहले भी देखा, कोरोना काल में भी देखा, अब कोरोना का जो मतलब चरम हमारे यहाँ पे एक तरीके से हम समझ सकते हैं, या लॉकडाउन खुल गया है, अभी भी हम देख रहे हैं कि क्या समझा क्या जाना अंधभक्तों ने, और क्या एडजस्ट कर रहे हैं, और क्या मुमकिन है मोदी है तो क्या मुमकिन है? ये भी कृपया करके आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि मोदी है तो ऐसा क्या मुमकिन है, मैं जानना चाहूँगी। और मुझे बहुत उत्सुकता है कि ऐसा क्या मुमकिन है जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को पता नहीं है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े हाई क्लास हमारे यहाँ के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए जो पत्रकार हैं उनको पता नहीं है, और ऐसा आम जनता को क्या पता चल गया, ऐसी क्या घुट्टी इन्होंने खा ली है कि इनको पता चल गया कि मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या मुमकिन है कृपया आप मुझे बताइए। और चीन जो है भारत पे कभी भी अटैक कर सकता है, पाकिस्तान ने भी अपनी युद्ध तैयारियां जो है बहुत जोरों शोरों से शुरू कर दी है, चाइना से कुछ सैन्य हथियार और कुछ फाइटर विमान जो ले लिए हैं पाकिस्तान ने। आज की खबर है कि पाकिस्तान ने कुछ 20 से लेके 23 तक कुछ फाइटर विमान और कुछ जेट्स जो है फाइटर जेट्स और कुछ बम्बर्स जो है चाइना से ले लिए, और तुरंत डिलीवरी जो है उनकी सारी डिलीवरी जो है नवंबर तक ख़त्म हो जाएगी, और नवंबर तक पाकिस्तान भी अपने आप को एकदम युद्ध के लिए रेडी कर लेगा। तो ये बहुत ही दिल दहला देने वाले किस्से मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बताया था कि ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिविटी होगी, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब देश की जनता जो है वो मोदी जी ने बता दिया 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कि ऑप्टिकल फाइबर पूरे गांव तक पहुंच जाएगा, पहले पंचायत तो ठीक कर लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर बाद में बिछाइएगा, पहले पंचायत ठीक कर लीजिए, स्मार्ट सिटी बना लीजिए। मोदी जी को पता है कि 5 ट्रिलियन
डॉलर की इकोनॉमी का मतलब किसी को पता नहीं है, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करो जो किसी को पता ही नहीं है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी क्या होती है, ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करो, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वर्ड्स क्या होते हैं, इस तरह की कोई बातें होती है, इस तरह से लोगों को कुछ पता ही नहीं, नए ऐसे ऐसी चीज़ें ले आओ जो कभी पास्ट में सुना ही नहीं है लोगों ने, कभी समझा ही नहीं है, इस तरह की बातें जो है वो खास तौर पे करने पे मोदी जी जो है भरोसा रखते हैं, और मोदी जी ऐसे ऐसे मतलब क्या कहते हैं उसको, नई नई दवाएं और नई नई गुटियां जो है अपनी तैयार करते रहते हैं जिससे वो पब्लिक जो है पूरे टॉक्सिक रहे, नशे में रहे और जनता से कोई सवाल ना पूछे। और GST में मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक वीडियो मैंने बनाया कि 45 times जो है अमेंडमेंट जो है सुधार जो है GST में हो गया, उसके बाद में CA NRC और NPR लेकर आए, कितने लोग मरे हैं नोटबंदी के समय भी, 150 लोग उससे ज्यादा लोग मर गए, मतलब ऑफिशियल आंकड़े तो 150 ही उससे ज्यादा भी होंगे, मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया को मिला के 150 ही होंगे। फिर वो उसके बाद में GST में कितने उद्योग धंधे बंद हो गए, कितने हमारे उद्योगपतियों की और कितने हमारे रोजगारियों की जो है कमर टूट गई, बिल्कुल कमर तोड़ देने वाला डिसीजन था GST का। उसके बाद में CA NCR में भी कितने प्रोटेस्ट हुए हैं, कितने कि अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, हमारे देश में इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं उसको अशिक्षितता है और इतना ज़्यादा हमारे देश में माहौल एकदम सौम्य सौहार्द्र और भाईचारा पूर्ण है कि यहाँ पर मतलब यंगस्टर्स के और हमारे मतलब पिछली पीढ़ी के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो माँ बाप के सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे, उसके लिए बहुत सारे मासूमों पे अत्याचार हुआ, सामाजिक मानसिक प्रताड़नाएं हुई कि CA NCR और NRC को बंद कर दो और NPR को बंद कर दो और ये वो, इतना तमाशा, और अब बोल रहे हैं कि उसको बंद कर देंगे, तो जब बंद ही करना था तो इतना तमाशा क्यों करना चाहिए था, और क्यों माँ बाप के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और क्यों आप वोट बैंक को बांग्लादेश से लेके और भूटान से लेके जितने लोग आ रहे हैं सबको वोट बैंक के चलते आप भारत में शरण दे रहे हो, भारत में जो रह रहे हैं उनकी तो इज्जत कर नहीं रहे, उनका तो ध्यान रख नहीं रहे, उनको तो दवाइयाँ दे नहीं रहे, उनको तो अनाज ठीक से दे नहीं रहे, उनको तो रोजगार ठीक से दे नहीं रहे, तो ये कहाँ से वोट बैंक की राजनीति जो है चला रहे हैं, ऐसे मेरे विचार हैं, आपके विचार क्या हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और ये मतलब इतनी ज़्यादा पुलिस की भी, इन सब चीज़ों में पुलिस को भी बहुत पिसना पड़ता है, पुलिस की भी ड्यूटीज लग जाती है, मतलब इतने घंटे की पुलिस ड्यूटी करती है, पुलिस वालों की आप बात अगर सुनेंगे तो आप रो देंगे, इतना पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, कभी कोई नया नाटक। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने एक फरमान जारी किया है कि अब शायद पुलिस वालों के वर्किंग आवर्स में कुछ मतलब रिलीफ मिल सकता है पुलिस वालों को, जो 8 घंटे की नौकरी उसमें थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि पुलिस के लिए जो कानून है वो काफ़ी पुराने कानून है जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं, पुलिसों को लगातार चौकन्ने रहना पड़ता है और उनको बिल्कुल ही चैन की सांस नहीं मिलती, कोविड में तो पुलिस वालों ने बहुत बहुत फाइटर बनके बहुत एकदम पैट्रियोटिक काम उन्होंने जो किया है, देशभक्ति का काम उन्होंने किया, और बहुत सारे पुलिस वाले जो हैं उनकी जानें भी चली गई कोरोना से संक्रमित होने की वजह से। तो अब जो है 2006 में भी ऐसे ही कुछ आया था, कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ सुधार निर्देश आए थे मगर किसी वजह से उनका पालन नहीं हो पाया 2006 में, लेकिन अब जो है पुलिस वालों के लिए राहत के काम आ रहे, राहत का जो है फरमान जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कल, क्या पुलिस वालों के से जुड़े जो कानून है वो थोड़े सुधरेंगे और पुलिस वालों की जो नौकरियां, जो उनके नौकरी के घंटे हैं या उनके जो वर्किंग आवर्स है उसमें जो है थोड़ी सी तब्दीली और रिलीफ उनको दी जाएगी, तो ये बहुत खुशी की बात है। वापस से हम चलते हैं कि मतलब कांग्रेस इतनी ज़्यादा चिंतित है और सोनिया गांधी जी जो है इतनी सारी बैठकें बुला रही है लगातार GST पे लेके, और अब एक नया जो नाटक मोदी सरकार का आया है कि मोदी सरकार जो है पहले बैंकें बेच दी, ठीक है, उसके बाद में PSUs बेच दिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है बेच दिए, उसके बाद में ट्रेनें बेच दी, सारी बहुत सारी सरकारी कंपनियां बेच दी, अब जाके जंगल भी मोदी सरकार बेचने जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार को जो कोई भी काम करने के लायक नहीं है, या शायद सरकार कोई भी काम करने की जो है सरकार के अंदर काबिलियत नहीं है, कोई भी काम करने के लिए सरकार के अंदर एक तरह से जद्दोजहद नहीं है, जो सरकार को सब कुछ प्राइवेटाइज करना पड़ रहा है, जंगल का तो स्वामी किसी प्राइवेट कंपनी को बनाना मतलब हमारे देश की सीधे सीधे हमारी पूरी जमीन को बेच खाने वाला काम जो मोदी सरकार करने जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये योजना नहीं बनी है, सिर्फ रफ ड्राफ्ट तैयार है ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन जंगल का मालिक तो जंगल में रहने वाले आदिवासी और जंगल का ध्यान रखने वाले आदिवासी ही रह सकते हैं, मुझे जहां तक लगता है कि उनसे अच्छा कोई जंगल का रख रखाव नहीं कर सकता, और जंगल की जो प्रजातियां हैं, जानवर है, जीव है, जंतु है, उनको भी वो टैकल करना जानते हैं, और ऐसी प्राइवेट कंपनियां मेरे ख्याल से इसमें इतने हद तक इतने फ्रेंडली तरीके से सक्षम नहीं हो पाएगी, और
मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने जब एयरपोर्ट्स को बेचने का अनाउंसमेंट किया था, जब मेंगलुरु एयरपोर्ट था, तिरुअनंतपुरम का एयरपोर्ट था, जयपुर का एयरपोर्ट था, लखनऊ का एयरपोर्ट था, अहमदाबाद का एयरपोर्ट था, और गुवाहाटी के ये 6 एयरपोर्ट की जो बेचने की बात, जो प्राइवेटाइज करने की बात आई थी, उस समय भी सोनिया गांधी जी ने बहुत बहुत गुहार लगाई थी, मगर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। सब सारे जो है मोदी सरकार के साथ में कदम से कदम मिला के लोग चल रहे हैं, लगता है कि बस मोदी है तो मुमकिन है, और कुछ अंधभक्त है बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो चीज़ें काफ़ी है वायर होती जा रही है, लेकिन अब अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे तो मेरे ख्याल से जो भी अंधभक्त हैं, जो नेगेटिविटी बोलते हैं, पूरी की पूरी पीढ़ियां आप जो है खतरे में डाल रहे हैं, विनाश की तरफ डाल रहे हैं। मतलब आप जीते जी एक मरे हुए के समान, एक गुलाम की समान जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और हम लोग जो है विनाश के एक वर्ज पे पहुंच चुके हैं। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, सो टू से। तो बैंक्रप्सी पर आ गए हम लोग, और इसके लिए दिख रहे हैं कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग फिर भी जो है मोदी की जय मोदी मोदी है तो मुमकिन लगा लगा के बैठे रहते हैं। कोई सरकार से सवाल नहीं पूछता, सवाल पूछने की सख्त आवश्यकता है। अभी एक समझ में आ रहा है कि सुदर्शन टीवी का जो एक बेवकूफ सा गधा सा पत्रकार है सुरेंद्र चौहान, जो अनपढ़ है, कहा जाता है कि 10वीं पास है, अपने आप को पत्रकार कहता है, बात करने की तमीज नहीं है, और उसको बहुत सारे जो है संस्थाओं से पता चला है कि गेंडा उसका नाम रखा हुआ है, गेंडा है, और वो उसको एक प्रकाश राज करके एक एक्टर, उन्होंने एक बार 2 साल पहले बेइज्जती भी कर दी थी कि मुझे लगता नहीं आपकी हरकतों से कि आप पत्रकार हैं। पत्रकार होने के लिए डिग्री के साथ साथ आपको तहजीब और आपको एक सेंसिबल इंटेलेक्चुअल माइंडसेट की भी जरूरत होती है, जो उसके पास में नहीं है। उसने जाके कल नई न्यूज़ बना दी कि मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में नहीं रहना चाहिए, और उसने बताया कि ब्यूरोक्रेट जो है वो मुसलमानों को नहीं बनना चाहिए, वरना हमारे यहाँ पर ब्यूरोक्रेट जिहाद, उसने नया वर्ड निकाला कि ब्यूरोक्रेट जिहाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा। सोचो, कैन यू इमेजिन, ब्यूरोक्रेट जिहाद करके वर्ड उसने नया निकाल दिया। आपने कभी ऐसा वर्ड नहीं सुना होगा, लव जिहाद एक कुछ गंवारों ने निकाला था, लेकिन अब ब्यूरोक्रेट जिहाद वर्ड उसने निकाल दिया है मुसलमानों के लिए। लेकिन उसको ये पता नहीं कि यूपीएससी की एग्जाम या एमपीएससी की एग्जाम या किसी भी तरह की एग्जाम जो सरकारी सर्विसेज से रिलेटेड है, आईपीएस आईएएस के एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, और पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोई धर्म नहीं होता है। खुद नहीं पढ़ा लिखा, खुद अनपढ़ है, तो क्या सभी अनपढ़ रहेंगे उसकी तरह? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप पढ़ लिख रहे हैं, आप किसी मजदूर के बेटे हैं, आप किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आपको 200 रुपये की किताब खरीद के और कहीं से मिल जाती है, और अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आप कोई भी आईएएस बन सकता है, कोई भी आईपीएस बन सकता है सिर्फ किताबों के दम पर। तो उसके लिए कोई धर्म की जरूरत नहीं है, कोई हाई क्लास यूनिवर्सिटीज में जाके आपको 5-6 करोड़ खर्चा करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। 25-50 लाख आपको हाई क्लास यूनिवर्सिटीज में इंडिया में भी देने की जरूरत नहीं है, और वर्ल्ड में भी देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी किताबों से आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, जो उसको पता नहीं है मेरे ख्याल से। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे, बहुत ट्रेंड चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा निंदा की है और बहुत ज़्यादा अपनी नाराज़गी जताई है। आईपीएस एसोसिएशन ने भी अपनी नाराज़गी जताई है, उसके लिए कंप्लेन नहीं की, जबकि कंप्लेन कर देनी चाहिए थी। इस तरह के बयानों में जो है सीधे तौर पर 505A और 2 के तहत, और 153A और B के तहत जो डायरेक्टली गिरफ्तारी होती है, जिसमें नॉन बेलेबल है, शायद ये दोनों धाराएं नॉन बेलेबल है, और इसमें जो है काफी सारे लोगों ने उसको पत्रकारिता का जॉनी लीवर भी कह डाला है कि वो पत्रकारिता का जॉनी लीवर है, और जॉनी लीवर होने की वजह से उसको उसकी बातों को माइंड ना किया जाए। और बहुत सारे जो मुस्लिम आईपीएस अधिकारी, उन्होंने ये भी कहा है कि आपके ही यूपी में, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि वो बीजेपी सरकार का एजेंट है फिर से, मतलब गोदी मीडिया या दलाल मीडिया जिसको कहते हैं, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन उसकी गिरफ्तारी फौरन हो जानी चाहिए थी, क्योंकि एक लड़के ने सिर्फ आरएसएस के खिलाफ अपना व्हाट्सएप स्टेटस रख लिया था, तो उसकी फौरन गिरफ्तारी हो गई, इसकी भी फौरन गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी जो नॉन बेलेबल थी। और इस सब 505A 505A 505 2 की तहत जो है उसको नॉन बेलेबली उसको गिरफ्तार कर देना चाहिए था, या 153A और 153B के तहत उसको नॉन बेलेबली वारंट जारी करके गिरफ्तार कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और उसके बाद में एक आईपीएस मुसलमान ने कहा है कि जो यूपी में रिक्त राज्यसभा की सीट थी, जो रिक्त राज्यसभा सीट के लिए मोदी सरकार ने जो है, योगी सरकार ने जो है वो सैयद इस्लाम जफर करके, हाँ सैयद इस्लाम जफर को जो है वो टिकट लड़ने के लिए दिया हुआ है यूपी में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे
टू वेज प्लेग्राउंड तैयार है और टू वेज प्लेइंग हो रही है और टू वेज जो है खेला जा रहा है। तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। और अब फिर जो है GST की 41st मीटिंग के बाद में 7 दिन बाद फिर से एक संक्षिप्त मीटिंग होगी जिसमें राज्य सरकारें केंद्र सरकारों को बताएगी कि एक्चुअली वो खुद जाके लोन ले लेगी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को लोन उधार लेके फिर इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ऐसा आपको 7 दिन बाद फिर से मैं बताऊंगी, एक पूरा कंप्लीट वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली क्या होने वाला है। और मोदी सर योगी सरकार की अगर हम बात करें तो फिर से रेप अपहरण और बलात्कार के मामले में और हत्या के मामले में जो है बहुत आगे बढ़ चढ़ के फिर से योगी सरकार में बातें सामने आ रही है, रोज ही हालांकि आ रही है, मैंने कभी आपको बताया नहीं। आज फिर से एक लखीमपुर करके एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरा जगह जिले से एक जो नाबालिग लड़की है शायद 17 साल की, उसका रेप हो गया है, दलित लड़की है, उसका रेप हो गया है और उसकी लाश जो है उसके रेप के बाद में उसका गला भी रेत दिया गया है। उसकी जो लाश है उसके घर से 500 मीटर दूर पर ही मिली, मतलब लड़कियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है एक तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरा करके जगह है जिला, वहां का ये मामला सामने आ रहा है जहां पर मतलब आप देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े सरकार के उपाय, इतने बड़े बड़े सरकार की घोषणाएं, दावे, उसके बाद में अगर बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो इस तरह की सरकार का हम क्या करेंगे। मतलब योगी सरकार की जब आने के बाद से हम देख रहे हैं 2017 से तो लगातार रेप, किडनैपिंग, लगातार हत्याएं, ये तो मतलब रोज के मामले हो गए हैं। और क्या कहते हैं कि राम राज्य लाएंगे, राम राज्य कैसे, क्या मंदिर बनाने से ही राम राज्य आ जाएगा? तो ये तो बहुत ही मतलब हास्यास्पद विषय है कि आप सिर्फ लड़कियों की अस्मिता को आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे अपने ही घर में, मतलब घर से 500 किलोमीटर दूर पे लड़की मिल रही है, उसकी लाश मिल रही है, उसके साथ रेप किया, उसके बाद इतनी हिम्मत की उसका गला रेत के उसकी हत्या कर दी है। तो ये योगी सरकार में मतलब ऑलमोस्ट आप देखेंगे, अगर फेसबुक पे देखेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा लेकिन अगर फेसबुक पे देखेंगे आप व्हाट्सएप पे देखिए, फेसबुक पे देखिए और भी सोशल मीडियाज पे आप जाएंगे तो आपको लगातार फोटो मिलते रहेंगे, लगातार आपको न्यूज अपडेट्स मिलती रहेगी। और ये टैबलॉइड कल्चर आ गया, टैबलॉइड कल्चर में ऐसा होता है कि सिर्फ समझ रहे हैं आप, टैबलॉइड कल्चर में सिर्फ वही चीजें दिखाएंगे जो मतलब स्टैंडर्ड वाली चीजें, जैसे टीआरपी होती है, यू नो टीआरपी वाली चीजें टैबलॉइड कल्चर में दिखाते हैं। अभी 2000 के नोट भी बैन होने वाले हैं तो ये भी कोई नहीं दिखाएगा क्योंकि 2000 के नोट में जो है आप देख रहे हैं, अभी आप ATM पे जाएंगे कभी आपको 2000 की नोट नहीं निकलेगी, अगर आप 10,000 निकालेंगे तो, या 5,000 भी निकालते आपको 2000 की नोट नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी कुछ सूत्रों के हिसाब से खबरें आ रही है कि RBI ने पिछले साल जो 2019 में 2000 के नोट छापे ही नहीं। तो ऐसा है कि अब मोदी सरकार लग रही है पूरे मूड में 2000 के नोट के भी बंद करने के, और टैबलॉइड कल्चर में इस तरह की खबरें नहीं दिखाते हैं जो दिखानी चाहिए। बस सुशांत सिंह राजपूत चल रहे हैं और रिया चक्रवर्ती जैसे पता नहीं कौन से स्कॉलर है और इस तरह की स्कॉलर के इंटरव्यूज चल रहे हैं, और ये नहीं बताएंगे कि PPP के तहत सरकार जंगल बेच रही है या सरकार जो 2000 के नोट बंद कर रही है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है अब हमारे जंगल भी बिक जाएंगे तो हम हवा भी शायद थोड़े दिनों में हमें, अब तो पानी हम खरीद के पी रहे हैं पिछले दशक से, लेकिन अब हम शायद हवा भी हमें थोड़े दिनों में खरीद के ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, ऐसा समझ में आ रहा है।